दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मैं रेसिपी कंप्लीट करके आपके सामने आई हूँ ताकि आपको डिश बता सकूँ आज हम ये बनाएंगे बोलकर। देखिए, मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया है, मुरमुरे का सुसला है। तो चलिए, आज की रेसिपी ये है। और हमेशा की तरह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए फिर टेस्टी सा ब्रेकफास्ट बनाते हैं। मुरमुरे का सुसला बनाने के लिए मैंने 300 ग्राम मुरमुरे, चुरमुरे, पफ राइस लिए हैं। इसको इस तरह से छानते जाएंगे और ऊपर के मुरमुरे निकालते जाएंगे। इस तरह से करने से छन्नी में मुरमुरे के पाउडर तो नीचे गिर जाएगा और जो कंकर पत्थर होंगे छन्नी के नीचे आ जाएंगे। अच्छे अच्छे मुरमुरे ही इस तरफ आ जाएंगे। ये जो बाकी के दूसरे मुरमुरे हैं ये भी ले लेंगे। कभी कभार मुरमुरे फीके आते हैं और अक्सर नमक लगाकर आते हैं, इस बात का ख्याल रखेंगे रेसिपी बनाते समय। ये मुरमुरे से तो ये बाउल भर गया है। आधे मुरमुरे इस तरफ निकाल लेंगे और इसको अच्छे से भिगो लेंगे। देखिए, ये बाउल भरकर मैंने पानी लिया है। बस इस तरह से डिप करते जाएंगे और ये छन्नी में निकाल कर रखते जाएंगे। सभी मुरमुरों को इसी तरह से साफ़ कर लेंगे और भिगो लेंगे। देखिए, मैंने मुरमुरे को अच्छे से धो लिया है। ये जो हमने गीला किया है इसी में ये भीग जाएंगे। मैंने एक बड़ा सा बर्तन गैस पर गरम रख लिया है। ये मेरा बर्तन स्टील का है, स्टेनलेस स्टील का, और नीचे से सैंडविच बॉटम का है, तो इसमें मैं तड़का आराम से लगा लूँगी। अगर पतले बॉटम का होगा तो इसमें तड़का जल जाएगा। मतलब स्टील का बर्तन पतले बॉटम का होगा तो तड़का जलता है। ये मुरमुरे के सुसले को तेल कम लगता है, मतलब 300 ग्राम मुरमुरे के लिए एक बड़ा चम्मच तेल बस हो जाएगा। तेल गरम हो गया है, आधा चम्मच राई डालेंगे। राई के तड़कने के बाद आधा चम्मच जीरा डालेंगे। एक बड़े साइज़ की प्याज को बारीक कट कर लिया है, साथ में थोड़ा सा हरा धनिया ये डालेंगे। प्याज के सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। प्याज सॉफ्ट हो गई है, थोड़ा सा कड़ी पत्ता डालेंगे। इसके बाद में एक छोटी कटोरी भरकर मूंगफली डालेंगे। ये मेरी मूंगफली पहले से भुने वाली है बोलकर मैं प्याज डालने के बाद डाल रही हूँ। अगर आप कच्ची मूंगफली यूज़ कर रहे हैं तो राई जीरा डालने के बाद पहले मूंगफली डाल लें। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कुछ सेकेंड के बाद ये तीन हरी मिर्च को बारीक कट कर लिया है ये डालेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम है। एक छोटे साइज़ के टमाटर को बारीक कट कर लिया है ये डालेंगे और टमाटर का पानी सूखने तक पकाएंगे। इसके बाद आधा चम्मच नमक डालेंगे। मैंने पहले ही बताया था कभी कभार मुरमुरों को नमक लग के आता है, वैसे ये मेरे मुरमुरे थोड़े से नमकीन थे इसलिए मैंने नमक कम यूज़ किया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। एक मिनट तक मसाला अच्छे से भूनने के बाद ये मुरमुरे डालेंगे इसमें हम। इसे आप मुरमुरे के पोहे भी बोल सकते हैं। सारे मुरमुरे डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे, नमक टेस्ट कर लेंगे। देखिए, मैं जिस बर्तन में तड़का लगा रही हूँ उस बर्तन के हैंडल, मैं ये ब्रास कोटेड गोल्डन हैंडल ली थी। ये 5-6 साल पुराना बर्तन है मेरा। देखिए, पूरा निकल गया, अच्छा नहीं लग रहा है। अगर मैं स्टेनलेस स्टील का ही लेती तो घिसने में भी मुझे इतनी तकलीफ ना होती। देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। मैंने नमक टेस्ट कर लिया है, मुझे नमक ऐड नहीं करना पड़ा। ढक्कन लगा देंगे 5 मिनट तक। ये जो मेरे बर्तन के हैंडल हैं ऐसे थे, देखिए जो ढक्कन के ऊपर का है। मुरमुरे तो गर्म हो गए हैं, चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। ये बन गया हमारा टेस्टी सा मुरमुरे का सुसला। वैसे ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, खाने में मुंह में भी बहुत अच्छा लगता है। आप एक बार ट्राई ज़रूर करना, आपको पसंद आएगा। अगर ये डिश आप पहली बार बना रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को प्रॉपर फॉलो करना, आपकी भी रेसिपी ऐसी ही बनेगी, बिल्कुल फेल नहीं होगी। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और इसे गर्मा गर्म परोसेंगे। वीडियो रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर ज़रूर करें।
मिलते हैं और एक टेस्टी सी अगली रेसिपी में और एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।